एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, जो बहुत ही बेहतरीन बनी है और डिलीशियस लग रही है। कच्चे चिकन की बिरयानी है, यह कच्ची दम बिरयानी बन के रेडी हो गई है। यह आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ताकि ये रेसिपी आपके समझ में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बनाई गई है और उतनी ही बेहतरीन है। ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमें लगने वाले इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिए हैं। मैंने 1/2 kg मैंने चिकन लिया है और बिरयानी कट लगाए हुए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, साफ करके धो के अच्छे से क्लीन करके लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्पाइसेस लगेंगे। ये सारे स्पाइसेस हमें राइस बॉईल करते वक्त लगेंगे। ये पुदीना लिया है मैंने और ये तेज पत्ता एक बड़े साइज का यहाँ पे लिया है 1 teaspoon। मैंने शाही जीरा लिया है, 7 से 10 से 12 मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिए है, 2 मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 मैंने हरी इलायची ली है छोटी वाली, 1 स्टार फूल लिया है मैंने बादियान का फूल, और 5 मैंने लौंग लिए हैं, 1 मैंने यहाँ पे मेस का पीस लिया है, और 1 मैंने यहाँ पे ये काली वाली इलायची ली है, बड़ी वाली इलायची। और ये स्पाइसेस हमें चिकन मैरिनेट करने के लिए लगेंगे। तो ये हमने लिए है 1/2 teaspoon मैंने हल्दी ली है, 2 teaspoon भर के, 2 teaspoon भर के मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, नमक लेना है हमें स्वादानुसार, और गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पे लिए 1 teaspoon। 3 tablespoon भर के मैंने हरा कटा धनिया लिया है, और 5 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं यहाँ पे। तो ये स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और 2 tablespoon भर के मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ली है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें खड़े मसाले लगेंगे जो हमारे ग्रेवी में जाएंगे चिकन में। तो ये मैंने लिए है 2 पीस यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये देखिए 2-2 इंच के टुकड़े हैं 2, और 4 मैंने हरी इलायची ली है, 1 टीस्पून भर के मैंने शाही जीरा लिया है, शाही जीरे का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है हैदराबादी बिरयानी में। और यहाँ पे मैंने 5 लौंग लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, तेल जो हमें लगने वाला है, और ये मैंने 1 मुट्ठी हरा पुदीना लिया है, और चावल लिए है मैंने, राइस मैंने बासमती राइस का यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे हमें 1 घंटे के लिए भिगोना है। और मैंने यहाँ पे 1/2 किलो राइस लिया है, और इसके बाद हमें लगेगा ये बिरिस्ता, जो तली हुई प्याज होती है वो मैंने 4 बड़ी साइज की प्याज ली, उसको स्लाइस में काट लिया और उसको फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद देखिए इस तरह से हमें फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद मैंने हाथों से इसको मसल लिया है और उसका देखिए क्रश बना लिया है बिरिस्ते को। आपको अगर बिरिस्ता किस तरह से बनाना है तो उसकी लिंक मुझे मेरे आई बटन में मिलेंगी, आप वहां से चेक कर लेना। और ये दही लिया है, फेटा हुआ दही है, 1.5 कप मैंने दही का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए जिस बर्तन में मैंने बिरयानी हमें बनानी है उसी बर्तन में मैंने चिकन को डाल दिया है, और इसमें मैं 1/2 नींबू का रस लूंगी। उसके बाद ये स्पाइसेस, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये इसमें जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ये तली हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद ये मैंने देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है, ये खड़े मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, शाही जीरा वगैरह जो हमने लिया था, ये 4 हरी मिर्चें जो मैंने साबित यहाँ पे इस्तेमाल किए 5, वो भी हम इसमें डालेंगे, और हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। पुदीने के पत्तों को इस तरह तोड़कर इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है और सौंफ का इस्तेमाल नहीं होता है, और सफ़ेद वाले जीरे का भी इस्तेमाल इसमें नहीं होता, इसमें शाही जीरा लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शाही जीरे का इस्तेमाल किया है। ये चिकन की कच्ची बिरयानी है तो इसी तरह हमें बनानी है, ये हैदराबादी फेमस बिरयानी है। देखिए ये दही भी हम इसमें ऐड करेंगे, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मसाज करना है हमें चिकन का, ताकि मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। मैं
मैंने अपने दम बिरयानी की भी रेसिपी डाल दी है, आई बटन में आपको मिलेंगी, वहां से आप देख सकते हो। बॉम्बे बिरयानी की भी रेसिपी मैंने अपलोड की है, तो आप वो भी बिरयानी को देख सकते हो। बहुत अच्छी सी अच्छे टेस्ट में बने हुए हैं, और ये इसका टेस्ट अलग है क्योंकि ये हैदराबादी कच्ची बिरयानी है, तो हर बिरयानी का टेस्ट अलग अलग होता है। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मुझे जरूर करना। ये देखिए इस तरह से हमें मैरिनेट करना है, और आधे घंटे के लिए हम इसे साइड में रखेंगे, और राइस के लिए पानी हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। देखिए मैंने पानी यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया है बॉईल करने के लिए, तो अभी ये बॉईल आने ही वाला है। उतने में हम ये सारे मसाले जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नमक कितना लिया, नमक लेना भूल गई थी, नमक आपको दिखाना, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक लिया है भर के, तो इतना नमक हमें जाएगा इसमें पानी जब हम राइस बॉयल करेंगे तब, क्योंकि ये नमक जो है तो ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसका राइस का जो पानी होता है वो हम ड्रेन करने वाले हैं, तो वो हिसाब से नमक सब चला जाता है, तो ये इतना हमें लेना ही है। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये सारे मसालों के साथ नमक, ये देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस बॉईल जैसे ही आएगा हम इसमें राइस ऐड करेंगे। देखिए पानी को हमारे बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें राइस को ऐड करेंगे, डाल देंगे राइस। लेकिन आप इसे स्किप नहीं करना, ये आप एंड तक देखना ताकि ये वीडियो आपके समझ में आ जाए, ये रेसिपी किस तरह से हमें बिरयानी को इसमें दम पे रखना है, तो मैं हमें बॉईल करते वक्त चावल किस तरह से इसमें से हमें कब ड्रेन करने हैं, तो आप ये इसे स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना। देखिए मैंने सारे चावलों को इसमें राइस को ऐड कर दिया है पानी में, अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारे राइस बॉईल हो रहा है, और साइड में ही मैंने बर्तन को रख दिया है जिसमें हमें बिरयानी बनानी है, और इसमें हमने हमें इसमें देखिए ये धनिया है बचा हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से, और ये पुदीना भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना, ये कच्ची बिरयानी है, ये किस तरह से बनाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो आप इसे अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमने ये बिरयानी को दम पे दिया है। ये देखिए इसमें हमने ये सारे ये डाल दिए पुदीना और हरा धनिया, यहाँ पे हमारे राइस बॉइल हो रहे हैं साइड में। ये देखिए 50% चावल हमारा कुक हो गया है, और 50% कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए 3 कनी चावल है बबचा हुआ, इसलिए मैंने ये 3 कनी का चावल इसमें अभी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने चिकन कच्ची चिकन की बिरयानी बनानी है, तो चिकन कच्चा है, तो इस पर हमें इस तरह के चावल ऐड करने हैं। देखिए अब हमें और थोड़ा पकाना है राइस को, देखिए अभी राइस हमारा 75% कुक हो चुका है, इसमें 2 कनी बची है, तो इसके पहले मैंने घी को मेल्ट कर दिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऊपर से चावलों के ऊपर। और उसके बाद ये हम राइस इस पे ऐड करेंगे, ये 2 बार हो गया है, अब ये हम तो बचा है राइस इसको बॉईल करेंगे और थोड़ा सा। देखिए 2 लेयर मैंने राइस के लगा दिए हैं, तीसरा लेयर अब हमारे राइस पक रहा है। बचे हुए राइस को हम ड्रेन करेंगे छन्नी में। ये देखिए 80% हमारा राइस कुक हो गया है, ये तीसरी लेयर है, अब हम इसे ऐड करेंगे इसमें। देखिए 3 लेयर कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इस पे ऊपर से और 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, मेल्ट किया हुआ घी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है,
उसके बाद हम ये येलो लेमन कलर है वो भी मैंने लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऊपर से डालना है हमें, और उसके बाद हम थोड़ा सा बिरिस्ता डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से डालना है। और तीसरी बात ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये इस तरह से क्यों किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात मैंने आपको मुझे बतानी है कि हमने जो राइस के लेयर लगाए हैं वो किस लिए लगाए हैं, क्योंकि ये कच्चे चिकन की बिरयानी है, कच्ची दम बिरयानी हमें बनानी है, हैदराबादी बिरयानी इसी तरह से बनाई जाती है। तो मैंने सबसे पहले चिकन को अच्छे से मैरिनेट किया, आधा घंटा हमने इसे रख दिया था चिकन को। उसके ऊपर मैंने थोड़े से कच्चे चावल लगाए जो 50% पके हुए थे, वो हमने डाल दिए। उसके बाद 70% पके हुए चावल को डाल दिया है, क्योंकि चिकन कच्चा है तो कच्चे चिकन में अगर हमने और कुक किए हुए या फिर 90% कुक किए हुए राइस अगर हम इसमें ऐड करते तो हमारे राइस पूरे नरम हो जाते और अगर ये चावल गल जाएगा तो खाने में जरा भी मजा नहीं रहेगा बिरयानी का। इसलिए हमने इसे 50% कुक करके सबसे पहली लेयर लगाई है, उसके बाद 70% कुक करके दूसरी लेयर लगाई है, और 80% कुक किए हुई लेयर जो तीसरी मैंने इसके ऊपर डाल दी है वो भी मैंने आपको बताया है। उसके ऊपर मैंने घी ऐड किया है और कलर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसे दम पर रखेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह दम कर रखना है। देखिए मैंने हाफ कप पानी लिया है, वो हाफ कप पानी हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए हाफ कप पानी मैंने इस पे डाल दिया, और साइड में मैंने फॉइल पेपर रखा है वो भी हम इस पे डाल देंगे और अच्छे से इसको पैक करेंगे। हमें दम पे रखना है बिरयानी को। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने अच्छे से बिरयानी के बर्तन को अच्छे से सील कर दिया है फॉइल पेपर से, और साइड में मैंने यहाँ पे एक तवा रखा है, पुराना वाला तवा, छोटा वाला है जो मैं बिरयानी के बर्तन के लिए ज़्यादा करके इस्तेमाल करती हूँ, और फ्लेम को मैंने लो रखा है नीचे, उसके ऊपर ये हम बिरयानी के बर्तन को रखेंगे। क्योंकि अगर आपके पास भी इस तरह से रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि बिरयानी नीचे तले में लग ना जाए इसका हमें ध्यान रखना है, और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। आधा घंटा हमें बिरयानी को दम पे रखना है, आधे घंटे के हम बिरयानी को खोलेंगे। 45 मिनट हो गए हैं तकरीबन दम पे रखे हुए बिरयानी को। तो शुरू में मैंने इसको सबसे पहले 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था, और उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब हमारी बिरयानी बककर तैयार हो गई है, अब हम इसे खोलते हैं। अंदर तक अच्छे से पक गई है और खुशबू भी इसकी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। देखिए कितनी बढ़िया पकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हैदराबाद की मशहूर कच्ची बिरयानी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है, और कितनी बेहतरीन बनी है तो ये आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।